नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई को ऑपरेशन समिट की वर्चुअल समिट को होस्ट कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा, कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं, ये क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने ईरान के एससीओ में शामिल होने की घोषणा भी की। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और देश की जनता को इसके लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का सिद्धांत पूरा विश्व एक परिवार है, हम एससीओ को भी अपना परिवार मानते हैं। एससीओ समिट को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। पुतिन बोले, हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की अप्रोच का समर्थन करते हैं। हम एससीओ में शामिल देशों के साथ लगातार अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए काम करते रहेंगे। पुतिन ने कहा, हम पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों का सामना करते रहेंगे। एससीओ के लिए अफगानिस्तान एक चिंता का विषय है, वहाँ हालत बेहतर नहीं हो रहे हैं। एससीओ का लक्ष्य आतंकवाद, कट्टरवाद, उग्रवाद और नशीली दवाओं की तस्करी पर लगाम लगाना है। पीएम मोदी ने कहा, हम एससीओ को अपना परिवार मानते हैं। पहली बार एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, क्राफ्ट मेला, थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस जैसी चीजें हुई है। एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में कार्यक्रम हुआ। एससीओ देशों के युवाओं की प्रतिभा को उजागर करने के लिए हमने कई कार्यक्रम किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नीतियों में जगह देते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। उन्होंने आतंकवाद को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है। आतंकवाद क्षेत्र की शांति के लिए खतरा है, ऐसे मामलों में दोहरे मापदंड नहीं रखने चाहिए, हमें आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा। अफगानिस्तान पर भारत की चिंताएं एससीओ के दूसरे मेंबर्स की तरह ही है। अफगान नागरिकों को मानवीय समानता, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करना हमारी साझा प्राथमिकता है। एससीओ भारत को आतंकवाद से लड़ाई और सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात पूरी से रखने के लिए एक मजबूत मंच उपलब्ध कराता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एससीओ को लेकर भारत की तीन प्रमुख पॉलिसी है, रूस से मजबूत रिश्ते बनाए रखना, पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के दबदबे पर लगाम और जवाब देना, सेंट्रल एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाना। एससीओ से जुड़ने में भारत का एक प्रमुख लक्ष्य। इसी के साथ